नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टेन न्यूज। बिहार में अब अप्रशिक्षित शिक्षकों की नौकरी जाने वाली है। सरकार ने अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों को हटाने का फैसला ले लिया है। ऐसे शिक्षकों की संख्या करीब 1000 है। फिलहाल वैसे अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा बची रहेगी जो पटना हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से आच्छादित है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। और इसके साथ ही वैसे शिक्षकों के खिलाफ भी अब कार्रवाई शुरू ही होनी है जिनके योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र तय सीमा में विभाग के पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सके हैं। ऐसे शिक्षकों को अब आखिरी मौका दिया जा सकता है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के मुताबिक वैसे अप्रशिक्षित शिक्षक जो 31 मार्च 2019 तक ट्रेनिंग पूरी कर DELED की मुख्य परीक्षा या पूरक परीक्षा पास कर लिए हों, उन्हें ही परीक्षा फल प्रकाशन की तारीख से वेतन भुगतान किया जाए और जो अप्रशिक्षित शिक्षक प्रशिक्षण की योग्यता नहीं रखते हैं उन्हें सेवा मुक्त करने की कार्रवाई संबंधित नियोजन इकाई के स्तर से की जाए। शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़े की जांच अभी तक अंतिम चरण में पहुंच गई है। ऐसे शिक्षकों की योग्यता संबंधी दस्तावेज विभाग की ओर से निर्धारित पोर्टल पर अपलोड किए जाने की समय सीमा खत्म हो चुकी है। वैसे शिक्षकों की लिस्ट जिलेवार बनाई जा रही है जिनके दस्तावेज विभाग को नहीं मिल पाए। अब ऐसे शिक्षकों को एक आखिरी मौका दिया जा सकता है। इस बार चूकने पर नौकरी जाना तय हो जाएगा। आखिरी मौके के तौर पर इन शिक्षकों को खुद ही अपना प्रमाण पत्र अपलोड करने को कहा जा रहा है। ऐसे शिक्षकों की लिस्ट अलग अलग जिलों में जारी होनी शुरू हो गई है। फटाफट होम डिलीवरी ऐप 14 देशों में अपनी सर्विस के दम पर लोगों के दिलों पर राज करने वाली कंपनी जब आपके शहर सिवान में आ चुकी है। अब आप घर बैठे अपनी जरूरत की हर चीज होम डिलीवरी करा सकते हैं, जैसे राशन का सामान, रेस्टोरेंट से मनपसंद खाना, फास्ट फूड आइटम, गिफ्ट की आइटम, मोबाइल एसेसरीज, हाउस होल्ड आइटम और भी बहुत कुछ। इस सर्विस का फायदा उठाने के लिए अभी प्ले स्टोर से फटाफट लोकल डिलीवरी ऐप इंस्टॉल करिए और घर बैठे ही बेहतरीन सर्विस का मजा लीजिए।